इन महाशय को ध्यान से देखिए, ऐसे सो रहे हैं मानो किसी 5-स्टार होटल के इसी कमरे का गद्दा हो, और अब एक साथ 3-4 दिन की नींद पूरी करके ही उठेंगे। लेकिन जब ये नजारा रेलवे विभाग के अधिकारियों ने देखा तो हड़कंप मच गया। 400 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार, और शरीर से महज 1 मीटर दूर 25,000 वोल्ट की बिजली के तार। आपने ट्रेन के अंदर बैठकर लंबी से लंबी यात्राएं की होंगी। एक शख्स ने जो कारनामा किया है उसको जानकर हर कोई हैरान है। इन महाशय को ट्रेन के अंदर टिकट नहीं मिला तो ये ट्रेन की बोगी के ऊपर जाकर बैठ गए, और तो और सफर लंबा होने के कारण महाशय सो भी गए और ट्रेन के ऊपर ही बैठकर दिल्ली से कानपुर तक का सफर तय कर डाला। ऐसा सफर जो एक हल्की सी चूक से उसकी जिंदगी का आखिरी सफर हो सकता था। दरअसल ट्रेन में सीट नहीं मिलने पर एक शख्स ने ऐसा काम किया कि रेल अधिकारियों के होश उड़ गए। पूरा मामला कानपुर सेंट्रल स्टेशन के रात 1 बजे का बताया जा रहा है, जब दिल्ली से चलकर हम सफर एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची। इसी बीच रेल अधिकारियों को ट्रेन की छत पर एक युवक के लेटे होने की सूचना मिली, जिस पर रेलवे का पूरा अमला प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। सामने का मंजर देख अधिकारी भी हैरान रह गए, क्योंकि एक युवक ट्रेन की छत पर आराम से लेटा हुआ है। चूंकि ट्रेन के ऊपर 25,000 वोल्ट की लाइन जाती है, ऐसे में यदि युवक खड़ा हो जाता तो जान तक चली जाती। इसीलिए आनन फानन में बिजली की लाइन बंद कर उसे नीचे उतारा गया। पूछताछ में पता चला कि युवक का नाम दिलीप कुमार है, और वो दिल्ली से हम सफर एक्सप्रेस के B11 कोच की छत पर बैठ कर आ रहा है। यानी करीब 400 किलोमीटर का सफर दिलीप ने ऐसे ही तय किया। कानपुर में उसे नीचे उतारा गया। गनीमत रही कोई हादसा नहीं हुआ। ट्रेन से नीचे उतारने के बाद उसे रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां जुर्माने के बाद उसे छोड़ दिया गया। मजिस्ट्रेट ने उसे चेतावनी भी दी कि दोबारा अगर ऐसी हरकत की तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पूछताछ में दिलीप ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का रहने वाला है। उसे अपने घर जाना था लेकिन ट्रेन में कोई सीट खाली नहीं मिली, साथ ही ट्रेन में काफी भीड़ भी थी, जिस वजह से वो छत पर चढ़ा और वहीं लेट गया। हवा चल रही थी तो नींद भी आ गई। लेटे लेटे ही दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से वो उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल आ पहुंचा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।